लाइनें हम महाराज जी को वंदन करेंगे और उस पश्चात देखते हैं कैसे कैसे महाराज जी का आदेश होता है, वो करेंगे। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, 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 वंदनीय Bam 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 b
वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय। आप लोग आज फिरा गए से भीतर इस पंडाल में आ रहे थे तो आपने टोक लेने के लिए, आपने चरण छूने के लिए, आपने पुष्पांजलि भेंट करने के लिए, पुष्पमाला भेंट करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया, एक दूसरे से होड़ शुरू कर दी, धक्का मुक्की होने लगा। ये सब क्या है? क्या ये सतगुरु के लिए करते हो? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सतगुरु कौन है? अभी बोल रहे थे वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, किसका वंदन करते हो? वो सतगुरु अगर है तो क्या तुम्हें एक दूसरे को धक्का दे करके, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उसके चरणों में बिछना पड़ेगा तब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा? बात को समझा करो। अगर कहीं कोई सच्चा सतगुरु है तो वो सात समुद्र पार से भी तुम्हें देखता है, वो आकाश की ऊंचाइयों से भी तुम्हें निहारता है, तुम तक पहुंचता है और तुम्हें अपना आशीर्वाद देता है। वो बुरा नहीं मानता कि तुमने उसी की बगिया को उजाड़ा है, तुमने उसी की बगिया के फूल तोड़ लिए हैं और उन फूलों को तोड़ करके ये कह के कि तुम मेरे फूल है, मेरी फूल मालाएं चढ़ा रहे हो, ये तमाशा वो सब देखता है लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानता। ये तो वैसे ही हुआ किसी के घर में जाके उसके ड्राइंग रूम में बैठे हो और वहां से सबसे जो सुंदर वस्तु पड़ी हुई हो उसको उठा के वो घर वालों को देने लगो, जी मेरी भेंट है लीजिए, तो कैसे लगेगा? ऐसे ही तो तुम कर रहे हो। ये फूल सुंदर थे, जहां खिले थे, जिस टहनी पे खिले थे उसी परमात्मा को चढ़े हुए थे। ये बहुत बड़ा विराट मंदिर है, सारा जगत सारा संसार ये सारा एक मंदिर ही तो है। सर सरित सागर जिसको ढोने में रत है, फूल यहां उगते हैं उसी की पूजा में, उसी की वंदना में। और ये चांद तारे उसी के लिए जलते हुए दीप है, तुम क्या दीप जलाओगे? वो सदा से जले हैं दीप, ये उसी का मंदिर है और तुम तोड़ लेते हो।
उन फूलों के गले घोंट दिए तुमने, उनको मार दिया, हत्या की, बहुत बड़ी हत्या की। और फिर किसको चढ़ा रहे हो? अगर सतगुरु को परमात्मा का रूप मानते हो तो उसी के उगाए हुए फूल, उसी की बगिया उजाड़ करके उसी को चढ़ाते जा रहे हो। ये तमाशा मैं बहुत देखता हूँ और मना करता हूँ। अभी जोर जबरदस्ती कर रहे थे, फूल लेने हैं, फूल लेने हैं, क्या होगा? मैंने कहा है जो सबसे चुप, सबसे खाली इंसान दूर से दूर यहां बैठा है और जिसका ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते, उसको पूरा का पूरा आशीर्वाद मिल सकता है। और जो सबसे आगे बैठा है वो वंचित रह जाएगा। तुम विज्ञान जानते नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान बड़ा सीधा और सरल है। परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, सतगुरु उसी की सत्ता को लेकर के तुम्हारे बीच में घूमता है, आता है और तुम्हें अपना आशीर्वाद देता है। वो न भी आए, वो यहीं रहे, वहां भी रहे, तो भी उसका आशीर्वाद मिलता है। ये जो लोग मुझे बुलाने के लिए ले गए थे, खास करके ये बलराम, यहाँ के नागरिक जानते हो आप, बड़े गणमान्य नागरिक हैं, आगे बैठे हैं सबसे। इन्होंने बहुत प्रेम दिया है, बहुत भक्ति से भरे हुए हैं। इनका सारा परिवार, सभी भाई, उनके बच्चे सब बहुत भक्ति भाव से भरे हुए हैं। वो बीच वाला भाई भी ये बन के बैठे हैं, बड़े वाला भी यहाँ राधे श्याम घूमता रहता है, सारा काम देखता है आपका। तो सबसे नीचे वाला भाई वो खड़ा है इस इंतजार में कि कब उसका नाम लिया जाए। ललित बहुत काम करता है, भागदौड़ करता है, सबसे छोटा है ना, तो सब उस पर हुक्म चलाते हैं कि ये कर देना, वो कर देना, करना वो, करता वो है। वो गए थे मुझे बुलाने वहां से, मैंने उनको यही उत्तर दिया था कि तराना आकर के मैं आशीर्वाद दूं, ये कुछ बड़ा अटपटा सा लगता है। क्योंकि जो लोग तराने के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तराने के वो लोग, तराने के वो भक्त जो याद करते हैं अपने सतगुरु को, जिनको स्मरण है वो सतगुरु, जिनकी जिनके हृदय में वो बसा हुआ है, उनको तो आशीर्वाद पल पल मिल ही रहा है। मुझे खींच के क्यों वहां ले जा रहे हो, इस शरीर को ले जा रहे हो? सतगुरु तो कभी भी वहां पहुंच जाता है और आशीर्वाद दे देता है। इंसान जो कुछ भी करता है सांसारिक दृष्टि से करता है, पार्थिव दृष्टि से करता है। वो समझता है कि एक शरीर आएगा यहाँ स्टेज पर और वो तुम्हें आशीर्वाद देगा, या अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देगा, तुम्हारी माला कबूल कर लेगा, तुम माला उसको गले में डाल दोगे तो ही काम बनेगा। ऐसा सोचना व्यर्थ है, बार बार कहता हूं, ऐसा सोचना गलत है, तुम भूल कर रहे हो। जो यहां नहीं भी आया, अगर वो सतगुरु से जुड़ा हुआ है, कहीं काम में लगा हुआ है, बाहर है, दुकान पे है, तो उसको भी आशीर्वाद मिल रहा है। हो सकता है उसको ज्यादा मिल रहा हो तुम्हारे से, जो तुम यहां बैठे हो। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई यही है। इसलिए ये जो
मैं तो अब जरा चला जाऊंगा आज, तो अब आगे का मौका तो मिलेगा नहीं वो नज़ारा देखने का कि तुम धक्का मुक्की कैसे करते हो। लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ बैठे हो वहीं झुक जाओ। झुकना तुम्हारी गर्दन में नहीं होता है, झुकना तुम्हारे अंतरतम में होता है, झुकना तुम्हारे हृदय ने होता है, झुकना तुम्हारे अहंकार ने होता है, तुम्हारी अस्मिता ने होता है, तुम्हारे अहम ने होता है। वो तो वैसे का वैसा ही है खड़ा, वो तो वैसे का वैसा ही बुत बना खड़ा है, वो तो कहीं झुकता नहीं, वो तो तुमने संभाल के रखा हुआ है, वो तो कायम है। तो झुकना झुकना नहीं है, ये सिर को झुकाना कोई मतलब नहीं रखता, कोई उसका अर्थ नहीं है। और यहाँ आने के बाद भी वही होड़ लगी हुई है, एक 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 माला लेके आया है। मैं तुम सबसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम सबको निहारता हूँ, सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जो नहीं भी मुझे देख रहा, जो पीठ करके भी बैठा है या खड़ा है, मैं उसको भी अपना पूरा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो मालाएं तुम लेके आए हो वो सब मुझे कबूल है, मैंने वो ले ली है, मैं वो प्राप्त कर चुका हूँ। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरी माला नहीं ली। अभी मैं आ रहा था तो एक बच्चा सोचता होगा कि हम तो माला बनवा के लेके खरीद के आए थे बड़े चाव से, माँ साथ में है, तो महाराज जी तो ऐसे ही निकल गए, लिया भी नहीं हमारी माला भी नहीं ली। ये तुम्हारा भ्रम है। अगर महाराज जी के लिए तुमने माला आस्था से बनाई है, श्रद्धा से बनाई है, शरणागत अवस्था में होकर के बनाई है, प्रेम से बनाई है, भक्ति से बनाई है, पैसे से नहीं। पैसा तो साधन है, उसको तो साधन मात्र तुमने उपयोग किया है। लेकिन अगर सच में तुमने भक्ति भाव में ओतप्रोत होकर के वो माला का आयोजन किया है, तो वो माला उसको पहुंच गई, उसको मिल गई। तुम क्यों चिंता करते हो? इन फूलों को ना तोड़ा करो, इन फूलों की हत्या बेरहमी से ना किया करो। ये फूल उसके मंदिर को चढ़े हुए हैं, तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे पास जो लोग आते हैं मेरी तपस्थली पर, वैसे तो वहां आना संभव नहीं है क्योंकि हमने इंतज़ाम नहीं ऐसा रखा वहाँ मिलने का, लोगों को देखने का। लेकिन जो आ जाते हैं हमारी तपस्थली पर, उनको पता है कि एक पत्ते को भी छूना वहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं हो। अगर जानते होते तो मुझे कहना ना पड़ता। उस पत्ते में भी जान है, उसमें भी श्वास है, उसमें भी प्राण है, वो भी एक जीव है। चाहे वो जीव तुम्हारी तरह जीवंत नहीं है, उसका उसका चेतना का स्तर थोड़ा नीचे है, लेकिन वो भी चेतन है। संसार में कुछ भी पूर्ण रूप से जड़ नहीं है, चेतन है। और जब तुम एक फूल को तोड़ते हो, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उसकी आवाज़ आकाश तक जाती है, परमात्मा हिल जाता है जब तुम उस फूल को तोड़ते हो। क्योंकि ये सब संयुक्त है, ये जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग नहीं है। ये नहीं कि परमात्मा अलग है, फूल अलग है, महाराज जी अलग है, वो अलग है। ये अलगाव तुम्हारी आँख का है, ये अलगाव तुम्हारी आंख का है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आभूत विजानतः,
तत्र का मोहा कशोका एकत्वम अनुपश्यता एकत्वम अनुपश्यता। बार 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 मैं ऋषि मुनियों की वाणियां भी दोहराता रहता हूं। राधा स्वामी मत के केंद्र में बैठा हुआ भी मैं उनकी वाणियां तुम तक कहता रहता हूँ, पहुंचाता रहता हूँ। जो ऋषि हुए, जो सनातन धर्म के पैगंबर हुए, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ये ईसाई धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या ये ज़रथुस्त्र है, या कोई और धर्म है, बेशुमार धर्म है, हजारों में धर्म और धर्मांतर यहाँ इस संसार में है, उन सबको बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सबका नजरिया एक है, सबकी आवाज एक है, सबका संदेशा एक है, भाषा अलग अलग हो सकती है, पैगंबर अलग अलग हो सकते हैं, फरमान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो तत्व है वो कैसे अलग होगा? अलग है नहीं, वो अलग है नहीं, ये एक ही है, एक ही जुज है। मैंने ये कोई 55-60 साल पहले बात कही थी कि जब तुम फूल भी तोड़ते हो तो सारी कायनात हिल जाती है। कोई 60 साल 65 साल पहले कहा होगा पेरिस में, जब मैं छोटा था। और आज आज का जो वैज्ञानिक है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का ज्ञान रखता है, वो जो जानता है, उन्होंने उद्घोष किया, इसी बात पे नोबेल प्राइज मिल गया उनको। क्या उद्घोष किया? यही उद्घोष हमारी बात की पुष्टि की, हमारी बात की पुष्टि की कि ये बात तो सच है। जब तुम पत्ता भी तोड़ते हो, जब तुम फूल भी तोड़ते हो, तो सारी कायनात हिलती है, उसको दर्द होता है, उसको दुख होता है, क्योंकि जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, अलग तुम्हारी दृष्टि ने कर दिया है। तुम समझते हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा है, उसका बेटा उसका है, दोनों अलग है, और तुम अपने बेटे की तरफ हो, दूसरा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। ये जो भेद है, ये जो भेद दृष्टि है, और ये जो तुमने दीवारें खड़ी कर दी एक के दूसरे के बीच में, यही तो सब झंझट का कारण है, यही तो दुख की बुनियाद है। इसी के कारण तो साफ साफ कुछ भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसी को माया कहा है, इसी को संसार कहा है, इसी में इंसान फंसा है, इसी में उलझा है, इसी में वो ताना बाना है, और उस ताने बाने से बाहर नहीं आ पा रहा है। सतगुरु कुछ नहीं करता, केवल तुम्हें उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो ज्ञान देता है। अभी कुछ दिनों से बार बार एक आवाज़ कानों में गूंज रही है, कभी हवाओं से आ जाती है, कभी उधर से आ जाती है, और कुछ संयोग भी ऐसा होता है कि वो दोहराई जाती है। दीप से दीप जलाओ सतगुरु, दीप से दीप जलाओ, अपने सतगुरु से पुकार है कि जैसे मेरा दीप बुझा हुआ है, तुम ज्वलंत हो, तुम उस अपने दिए से मेरा दिया जला दो ताकि मैं भी रोशन हो जाऊं।
ये हमारी प्रार्थना बहुत पुरानी है। सतगुरु दीप से दीप जलाओ, अंतर मेरा अंतर तिमर मिटाओ, ज्ञान का दीप जलाओ। दीप ज्ञान का ही सूचक है, ज्ञान ही दीप के रूप में कहा गया। दीप का अर्थ है दिया, रोशनी, प्रकाश, ज्योति, आभा। ये जो रोशनी है जिसके कारण संसार चल रहा है। रोशनी है तो तुम्हारे खेतों में पौधे उगते हैं, तुम्हारे खेतों में फसलें उगती हैं। अगर रोशनी है तो धरती में पानी है, जल है, तुम्हें नसीब होता है। रोशनी है तो हवा में ऑक्सीजन है। बिना रोशनी के जीवन असंभव है इस पृथ्वी पर। रोशनी ही प्राण है, रोशनी ही जीवन है। और उस रोशनी के लिए आदिकाल से हमारी प्रार्थना रही है, ज्योतिर्मा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय, ज्योतिर्मा अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार, तिमर जो अंधापन है उससे मुझे निकाल करके तो रोशनी की तरफ ले चल मुझे। मैं कहा करता हूँ ना बार बार कि सतगुरु केवल एक चीज दे सकता है, वो तुम ले लेना। तुम पदार्थों के पीछे भागते हो, तुम बच्चे चाहते हो, तुम धन चाहते हो, तुम दौलत चाहते हो, तुम संसार चाहते हो, और वो संसार से भी बड़ी एक चीज देने आता है, तुम वो लेते नहीं हो, तुम्हारा ख्याल भी नहीं है उस तरफ। वो कहता है ज्ञान ले लो, तुम कहते हो महाराज जी मैं ज्ञान का क्या करूंगा, अचार डालूंगा, ज्ञान से कुछ नहीं होता। यही तुम भूल कर रहे थे, ये बहुत बड़ी भूल है। अगर ज्ञान है तो जीवन में तुम गलती नहीं करोगे, ज्ञान है तो ठीक ठीक काम तुम्हारे चलेंगे, ना हानि होगी तुम्हें, ना रोग आएगा, ना शोक आएगा, तुम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। ज्ञान होगा तो तुम ठोकरों से बच जाओगे, ज्ञान होगा तो तुम्हारा रास्ता रोशन हो जाएगा, तुम गिरने से बच जाओगे, तुम खड्डों से बच जाओगे, तुम कांटों में उलझने से बच जाओगे, तुम आग के दरिया से बच जाओगे, तुम मुसीबतों से बच जाओगे। ज्ञान होगा तो तुम्हें पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आज करीब करीब हर बच्चे की ये दुविधा है, ये दुविधा है कि क्या करूं मैं, सब्जेक्ट कौन से लूँ, कौन सी क्लास में जाऊँ, कहाँ पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, उलझे हुए हो। क्यों उलझे हुए हो? कि यहाँ अंधकार है, यहाँ अंधेरा है। अगर प्रकाश हो जाए तो तुम्हें दिखाई देने लगे कि ये ठीक है ये गलत है, खुद ही किसी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ हो वहीं पता लग जाएगा ठीक क्या है गलत क्या है। समझ, विवेक, सच्ची समझ, सच्चा विवेक, सच्ची नजर, जब तुम्हारी दृष्टि ही सच्ची हो गई, दृष्टि में सत्य आ गया, दृष्टि में प्रकाश आ गया, दृष्टि में तुम्हें देखने का सलीका आ गया, दुनिया को पहचान पाओगे, कौन तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा है, कौन तुम्हारा दोस्त खड़ा है, कौन तुम्हें दगा देगा और कौन तुम्हें संभालेगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है। फिर तुम
संसार के पचड़ों में नहीं पड़ सकते क्योंकि तुम गलती ही नहीं कर सकते। न सोच में भूल होगी, न वाणी में भूल होगी, न कृत्यों में भूल होगी। अगर एक ज्ञान तुम्हारे भीतर चला आए, एक दीप अगर तुम्हारा अपना जल जाए, इसके लिए ये कहा है, मेरा अंतर तिमिर मटाओ। तिमिर बाहर नहीं है मेरे देखे, अंधेरा बाहर नहीं है। बाहर का अंधेरा तो भीतर के अंधेरे का ही फैलाव है। दरअसल अंधेरा भीतर है, उसी के कारण बाहर भी अंधेरा हो जाता है। अब बाहर के अंधेरे का क्या है, छोटा सा दीप जलाते हो अंधेरा मिट जाता है, बड़ा आसान है। लेकिन जो अंदर बदलियां छाई हैं, गहरी की गहरी, अंधेरे से भरा है इंसान, असली तो वो है जो तुम्हें देखने नहीं देता, जो तुम्हारी राह रोके हुए है, जो तुम्हारे काम नहीं बनने देता। असली अज्ञान तो वो है। सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली, लेकिन आंखें बंद होने के बाद जो उनकी कृतियां हैं, उन्होंने आज सारी दुनिया में स्थान पैदा किया, प्राप्त किया। उनको आज तुम पूछते हो किस लिए, उन गीतों के लिए जो उन्होंने आंखें बंद होने के बाद कहे, बोले, वो लिखे गए हैं। मिल्टन एक इंग्लिश पोएट हुआ है अंग्रेजों के भीतर, जॉन मिल्टन, वो अंधे हो गए थे 40 साल की उम्र के बाद अंधे हो गए। लेकिन जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, जो सारी दुनिया में पढ़े जाते हैं बड़े आदर के साथ, वो सारे के सारे दोनों आंखें बंद होने के बाद उन्होंने लिखे। ये आंखें काम नहीं देती हैं, ये आंखें नहीं देख पाती हैं। कितना देख पाती हैं वहां तक, क्या कल देख सकते हो इन आंखों से, कल क्या होने जा रहा, थोड़े समय के बाद वहां क्या होगा, तुम्हें क्या पता। भीतर का रोशन होना चाहिए, भीतर का प्रकाश होना चाहिए, तो तुम देख पाओगे सब आगे का। धृतराष्ट्र अंधे थे, अंधे ही पैदा हुए थे, लेकिन सबने माना, सभी तारीख दानों ने माना, सभी इतिहासकारों ने माना कि दरअसल अंधकार उनके भीतर था, आंखों का अंधकार नहीं कुछ भी। मैंने सुना है कि आंखों के अंधकार के बावजूद वो सबको पहचान लेते थे, वो आया है, वो आया है, वहां जाता था, बिना किसी सहारे के चलते थे वो। बाहर की आंखों ने बाहर का प्रकाश बंद किया हो, लेकिन वो उनसे वो काम लेते थे। भीतर का अंधकार था जिसके कारण तूफान आया, जिसके कारण वो सब काम गलत हुए, सब काम गलत हुए शुरू से आखिर तक, जिसने इतनी बर्बादी लाई, जो इतना बड़ा संग्राम हुआ और सब बिगड़ गया, सब नष्ट हो गया एक धृतराष्ट्र के कारण। कौन सा धृतराष्ट्र, जो भीतर से अंधा था, बाहर से नहीं। बात सारी तुम्हारे भीतर की है, यद अंतरम तद बाह्यम, उपनिषद भी यही कहता है, जो तुम्हारे भीतर होता है वही बाहर आता है। अगर भीतर से अंधे हो तो बाहर अंधापन रहेगा, अगर भीतर से ठीक है तो बाहर बाहर सब रोशन रहेगा। वो अंधापन, वो अंधकार, वो कैसे मिटे, केवल प्रार्थना से नहीं मिटता है। तुम प्रार्थना करते हो कि मेरा दीप जलाओ, ज्ञान का दीप जलाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु से प्रार्थना करते हो, दीप से दीप जलाओ। सांकेतिक रूप से तुम दीप बाहर जलवाते भी हो, बाहर का दीप जलाना तो एक संकेत है,
उसकी बहुत गहरी पहचान है कि तुम इशारा देते हो, तुम एक इल्तजा करते हो, तुम दुआ करते हो उस सतगुरु से कि हे मेरे प्रभु, इस प्रकार से जैसे तुमने ये दीप जलाया बाहर का, मेरा अंधकार मिट जाए, मेरा दीप जल जाए, भीतर से मैं जला लूँ अपने आप को। यही तो छोटा सा बच्चा नचिकेता यमराज से बात करता है, कठोपनिषद में कथा आती है ना, नचिकेता उस बेचारे को यमराज के पास भेज दिया। अब यमराज से वो एक ही बात करता है कि कैसे अंदर का दीप जलाया जाए, कैसे वो अग्नि प्रज्वलित कर लूं मैं, कैसे वो कुंड मेरा धत धत करके जलने लगे, वही पूछता है बार बार। यमराज कहता है तुझे अनंत समय तक जीने की मैं कला देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तो बड़े से बड़ा सुख दुनिया में भोगेगा, इतने हजारों करोड़ों जितना तुम चाहो तेरे महल होंगे, रानियां होंगी, तुम्हारा साम्राज्य जितना बड़ा कहो तुम कर लो, सारी दुनिया पे राज भोगोगे, जब तक चाहोगे तब तक मौत नहीं आएगी, तेरा शरीर नहीं जाएगा, जब तक जीना चाहो जी सकते हो, ये सब ले लो मेरे से, लेकिन ये मत पूछो कि भीतर की अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है। वो नचिकेता नहीं मानता, वो कहता नहीं मैं कुछ नहीं चाहता, सब ले लो, ये संसार भी नहीं चाहिए, ये सब जो व्याख्यान कर रहे हो लंबा चौड़ा, मुझे इसकी रुचि नहीं है, मुझे केवल केवल भीतर का दिया जलाने का टेक्निक बता दो, उसकी कला दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो छोटा बच्चा 6 साल का नचिकेता, वो भी ये जानता है कि अगर दीप भीतर का जल गया तो मैं तो बादशाहों से बादशाह बड़ा हो गया, मैं तो सम्राटों का सम्राट हो गया, ये क्या करूंगा बाहर का लेके। भीतर का अंधकार मिटना जरूरी है, बाहर से कुछ नहीं होता है। तूने देखा, ये सब देखते आए हो कि कैसे ये पुकार उठी है। दाता दयाल जो राधा स्वामी मत के बहुत बड़े पैरोकार रहे, राधा स्वामी मत को चलाने में, आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा महत्व योगदान है, उन्होंने 4,000 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। दाता दयाल जो परम दयाल जी महाराज के गुरु थे, वासी शिवरतलाल, उनका साहित्य बड़ा विस्तृत है, सारे संसार के धर्मों को वो उन्होंने समेटा है राधा स्वामी मत में। अब वो गीत गाते हैं, वो भी गीत यही गाते हैं, तू ज्ञान है, तू ज्ञान है, तू मुझे ज्ञान थोड़ा सा दे दे, उसको कहते हैं परमात्मा को, उस राधा स्वामी को एक ही पुकार करते हैं, ज्ञान दाता ज्ञान दीजिए, ज्ञान के भंडार से, तू ज्ञान दाता है, तू ज्ञान का भंडार है, तू उस भंडार में से थोड़ा सा मुझे ज्ञान दे दे, ज्ञान दाता ज्ञान दीजिए, ज्ञान के भंडार से सहज में छुटकारा मिले इस कठिन संसार से। दाता दयाल जानता है कि ये संसार कठिन हो गया है, क्योंकि दुख है इसमें, सिवाय दुख के कुछ भी नहीं, पार जाना मुश्किल है, सतगुरु के बिना पार कौन लेके जाए, जिसके पास नौका है, जो खेवट है, कुशल खेवट है, वही तुम्हें अपनी नौका पे बुला के बैठा ले तो तुम्हें भवसागर से पार करा दे।
और यही दुआ करते हैं बार 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 कि ज्ञान दे दे। एक ज्ञान के मिलने से सतगुरु का सतगुरु मिल गया तुम्हें। ऐसे ही नहीं, संत मत में, गुरु मत में या राधा स्वामी मत में भी ऐसे नहीं, सतगुरु को ज्ञान कहा है। कि ज्ञान का मतलब सतगुरु, सतगुरु का मतलब ज्ञान, क्योंकि ज्ञान मूल में है। और याद रखना, ज्ञान होगा तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है, तो भक्ति को पर लग सकते हैं, भक्ति उड़ सकती है आकाश में, नहीं तो भक्ति पंगू रहेगी। तो ज्ञान 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 ज्ञान, सहज में छुटकारा मिले इस कठिन संसार से, दुखों से पार जाने की कला, दुखों से पार जाने की कला, एक ज्ञान मिल जाए बस मैं चला जाऊंगा, मैं इनसे पार हो जाऊंगा, वही अर्थ है जोत से जोत जलाने का। तुम अपना भीतर का अंधकार मिटा लो। मैंने कहा था उस दिन भी कि भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म तुम्हें पता है संसार में बहुत बड़ा धर्म है, हिंदुओं से कहीं बड़ा है, हिंदू तो नमक के बराबर हैं, इसमें आटे में नमक के बराबर, बहुत बड़ा विस्तृत धर्म है। ईसाइयों के बाद बौद्ध धर्म में आता है, जगत में बहुत तादाद है, सारा चाइना, सारा जापान, सारा कंबोडिया, सारा श्रीलंका, सारा तिब्बत, ये सब ये बुद्धिस्ट हैं सारे, मलेशिया, ये सारे देश बुद्धिस्ट हैं। जबकि कुछ भी नहीं है दूसरे लोग उसके मुकाबले। हमारे सिख भाई तो बहुत थोड़ी तादाद में है, हिंदू बहुत थोड़े हैं, मुसलमान भी कम है बुद्धिस्ट से। तो वो उनका पैरोकार, उनका पैगंबर, पहला और आखिरी पैगंबर जिसको तुमने भगवान बुद्ध कहा है, वो परमात्मा के अवतार जब इस धरती पर आए तो जाना तो था ही। हर सतगुरु आता है तुम्हें कुछ कह के चला जाता है, जाना तो होता ही, क्योंकि वो नियम है, वो धर्म है, जन्म और मृत्यु। तो वो आखिरी समय में लेटे हैं नीचे, जाने का समय आ गया, अब वो बुलाते हैं अपने सबसे परम शिष्य आनंद को। आनंद को आवाज दी कि भगवान बुद्ध बुला रहे हैं, आनंद पास आ गया है, रो रहा है, रोए जा रहा है। और बुद्ध कहते हैं, रो क्यों रहे हो, मैं जा रहा हूं, मैंने तो जाना ही था, तू क्यों रो रहा है। तो वो कहता है कि मैं तो खाली का खाली रहा, आप तो भरे हुए जा रहे हो, सारा जीवन आपके साथ मैंने बिता दिया, मुझे कुछ ना मिला, चिराग तले अंधेरा रहा। ऐसा ही अक्सर होता है, जो मेरे साथ लोग लगे रहते हैं वो अंत तक कुछ नहीं पा पाते, और दूर बैठे हुए लोग बहुत कुछ पा लेते, सब कुछ ही पा लेते। और जो भक्त हैं वो कहते हैं, महाराज जी आपके साथ जो लगे हुए हैं उनको तो पहले ठीक कर लो, हमें ठीक करने चले हो, उनमें क्रोध है, उनमें वैमनस्य है, उनमें हर प्रकार की अभी तक बुराइयां तक ना गई, दीप तो क्या होना, उनका दिया जला लो, बाद में हमारा जला देना, हम भी जला लेंगे अपना दिया। दिया वहां जाके जलवाओ जहां वो दिया जलाने वाला बैठा है, उस सतगुरु का क्या फायदा, जो सतगुरु अपने साथ लगे हुए दो चार लोगों का भी दिया ना जला सके, वो भी बुझे रहे, शुरू में बुझे थे, अंत में भी बुझे रहे,
अनंत उन्हीं में से है। अपने अपने भगवान बुद्ध से कहता है, चचा है उसके, चचेरा भाई है, अब क्या करे, जा रहे हैं, लेकिन रिश्ता ना बन पाया, गुरु शिष्य का रिश्ता ना बन पाया। तो भगवान बुद्ध जाते जाते एक खास बात, आखिरी बात उसको कह के जाते हैं कि देख आनंद, मेरी सारी देशना, मेरी सारी शिक्षा का निचोड़ है, अब पुदीपो भाव, तुम अपने दिए खुद बनो, तुम अपने दिए खुद बनो। ये मत सोचो कि भगवान बुद्ध आए थे चले गए, मेरा दिया ना जल सका, बुझा का बुझा रहा। तुम जला सकते हो अपने दिए को, लेकिन मूल है कि दिया जल जाए, मूल है कि रोशनी हो जाए, मूल है कि तुम अंधकार से बाहर आ जाओ, क्योंकि अंधकार बुराइयों का, कष्टों का, रोगों का, शोकों का ही खजाना है, उससे बाहर आओ। अंधकार से बाहर आ गए तो रोशनी रोशनी हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में बताते हैं ना कि गुरु नानक प्रकटया, मिटी तुंद जग चानन होया, मिटी तुंद जग चानन होया, ये बादल छट गए, ये अंधेरा मिट गया और एक प्रकाश हो गया। इस प्रकाश की ये भीपसा सदा से है, सदा से प्रकाश की ये भीपसा है, और सतगुरु वही है जिसके आने से तुम्हारे अंधकार मिट जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुमने अपना समय बर्बाद किया, तुम गलत जगह गए, सतगुरु के पास ना गए, जाकर के भी ना जा पाए, जाकर के भी ना जा पाए। ऐसा विधान सदा से रहा है, तुम्हारी समझ में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। तुम कहते हो दुख है, मैं कहता हूँ दुख जा नहीं सकता। तुम कहते हो महाराज जी छड़ी घुमा लो, सिर पे हाथ रख दो, प्रसाद दे लो, दुख चला जाए, ऐसे दुख नहीं जाता है। दुख का कारण ढूंढो और उस कारण को मिटाओ। दुख का कारण है तुम्हारे अपने कर्म, कर्मों के कारण गलत कर्म हो गए हैं, बुरे कर्म हो गए हैं, गंदे कर्म हो गए हैं, पाप कर्म हो गए हैं, जिनके कारण आज इंसान दुख भोग रहा है। जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए तो कृष्ण से सवाल करता है, भागवत में है ये प्रसंग, कृष्ण से सवाल करता है कि केशव तू तो भगवान है, लोग सारी दुनिया कहती तू भगवान है, लेकिन मुझे बता मुझे क्या सजा दी, ये मेरे सारे पुत्र चले गए, मैं अकेला रह गया वैसे का वैसा ही, इतनी बड़ी सजा कि सारा मेरा परिवार सब समाप्त हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप तो स्वयं ज्ञाता हो, आप देख लो ना, जान लो ना कि क्या किया है पीछे, अपने कर्मों का ही फल रहा होगा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं पिछले 3 जन्मों में तो गया हूँ, आगे नहीं जा सकता, वो मैंने 3 जन्म देखे हैं, उनमें मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मेरे सारे बच्चे चले जाएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, उसको लेके जाते हैं और पीछे, और वो अपनी आंखों से खुद देख लेता है कि हाँ मैंने इतने बड़े कर्म, इतने गंदे कर्म मैंने किए जिनके कारण मैं सारे पुत्रों को गवा बैठा। बिना कारण के कुछ नहीं होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि गुरु माँ आती हैं तो वर्षा आती है, मैं कहता हूं कि बादल आते हैं तो वर्षा आती है, कारण होता है। गुरु माँ के आने से या गुरु के आने से वर्षा हो जाती है, ये संयोग रहा होगा।
या ये होगा कि गुरु माँ के आने से वो प्रकृति इतनी साथ देती है, प्रकृति परमात्मा के हर रूप का साथ देती है कि बादल छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है, ये हो सकता है। लेकिन बिना कारण के बादल साफ हो, सूर्य चमक रहा हो और वर्षा होने लगी, ऐसा ऐसा होना मुश्किल है। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। तुम्हारे कारण हैं, तुम्हारे पाप कर्म हैं जिनके कारण दुख आज है। अगर वो समाप्त हो जाए, अगर वो चले जाए, तो दुख भी चला जाए, दुख भी ना रहेगा। मेरे पास क्या पूछते हो, दुख कैसे जाए, दुख कैसे मिटे। इसी प्रकार से भीष्म पितामह, फिर भागवत की बात करता हूँ, वो वहाँ लेटे हैं शैया पर, उनकी तीरों की शैया, वो चुप रहे हैं तीर उनके, वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध के बाद वो लेटे हैं तीरों की शैया पर और रिस रहा है खून, पीड़ा है, दुख भोग रहे हैं। वो भी कृष्ण से यही सवाल करते हैं कि आय केशव, मुझे ये बता मैं क्यों इतना दुख भोग रहा हूँ, क्या हुआ, मैंने तो पिछले जन्मों में जाके देखा है, पिछले 100 जन्म में हो आया हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ना अब किया इस जन्म में, ना पिछले 100 जन्मों में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 2 जन्म और पीछे जाओ, 2 जन्म और पीछे जाओ। 2 जन्म और पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि उस जन्म में एक सांप को इन्होंने कांटों की झाड़ी से छलनी कर करके मारा है। अब कांटों की झाड़ी से छलनी कर करके एक सांप को मारा है, वो सांप तो जीव ही है, परमात्मा का ही जीव है, उसने क्या कसूर किया था, उसको मार दिया। अब आज वो खुद कांटों की शैया पर लेटे हैं तो पूछते हैं कि मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैं क्यों ये भोग रहा हूँ। तुम सब यही कहते हो, महाराज जी हमने जिंदगी में दान पुण्य नहीं किया है, कोई मंदिर नहीं छोड़ा दुनिया का जहाँ हम न गए हो, मत्था न टेका हो, प्रसाद न लिया हो, और सारे यजन करवाए हैं, वो करवाया ये करवाया, पंडित ने बताया था हवन करवाओ, पंडित ने बताया था वो पाठ करवाओ, पाठ भी हो गया, वही भी हो गया, वो भी हो गया, फिर भी मुसीबत नहीं जाती है, क्या करें। मुसीबत इसलिए नहीं जाती है कि कर्म पीछा करते हैं। उसी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगाय समाचरा, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगाय समाचरा। कर्म तो सबको करने हैं, कर्मों से तुम बच नहीं सकते, लेकिन करोगे तो उसका अच्छा बुरा फल तुम्हें स्वयं को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग पाएगा तुम्हारी जगह। हाँ, सतगुरु तुम्हें एक कला देता है, जिस कला से तुम उन कर्मों के बंधन से, उन कर्मों के फल से बच सकते हो। कर्म भी करो और बच भी जाओ। कल भी तो मैंने बताया था ना, कल के सत्संग में बताया था ना कि वो सुंदरकांड में तुलसी रामायण में आता है ना प्रसंग, कि कैसे वो फल तोड़ते हैं, कैसे खाते हैं। हनुमान जी वहां पर अशोक वाटिका में कैसे फूल को सब तोड़ते हैं फल और खाते हैं। रघुपति चरण हृदय धरी, उस परमात्मा के चरणों से जुड़ करके, उसी को स्पर्श करके, उसी के समर्पित हो करके अगर तुम कर्म करते हो तो तुम पाप से बाहर हो जाते हो, तुम पाप से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि कर्म तुम्हारा नहीं होता, करने वाला वो है। उसी को तो बार बार कहा है ना कि तू सब छोड़ करके मेरी शरण में आकर के कर। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च
जब कृष्ण को बार बार ये कहना पड़ा, बात समझ में नहीं आई, तो अंत में उन्होंने कहा कि देख, एक ही लाइन मैं बोलता हूँ, एक ही लाइन बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, कि तू युद्ध कर, युद्ध से बच नहीं सकते, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे हृदय में बिठा करके तू कर्म कर, तेरे सारे पाप मेरे होंगे, तो इनको सबको मार भी दे, अपने सगे संबंधियों को खत्म भी कर दे, कोई पाप तुम्हें नहीं छुएगा। ये एक अनूठी बात कही गई है, ऐसी बात कभी किसी ने नहीं कही कि तुम पाप भी करते जाओ और तुम्हें कोई पाप का फल भी ना भोगना पड़े, कि तुम रावण भी बने रहो, कंस भी बने रहो, और फिर भी तुम्हारी मुक्ति हो जाए, फिर भी तुम मुक्त हो जाओ, उसकी दया इतनी है, उसकी कृपा इतनी है, वो चाहे तो अपनी कृपा से सब माफ कर दे, ऐसे माफ कर दे, लेकिन अगर तुम उसके हुक्म में हो, अगर उसका तुम हुक्म मानते हो, तो हम कहा करते हैं ना, ये ग्रंथ पंथ सब जगत के बात पटावत तीन, सबका, पंथों का और सभी धर्मों का और सभी धार्मिक पुस्तकों का, ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का निचोड़ क्या है, ये निचोड़ है, ये निचोड़ है, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। बस तीन चीजें तुम्हें मिली हैं, तन मिला है, मन मिला है, हृदय मिला है। हृदय में अपने इष्ट को बैठाए रखो, हृदय में अपने आराध्य देव को संभाले रखो, और सारा दिन देखते रहो कि वो है ना, वो संभला ना, कहीं भूल तो नहीं गया मैं, काम में इतना व्यस्त हो गया, दुनिया में इतना खो गया, गर्क हो गया इस दलदल में कि पता ही ना लगा वो कब हृदय से निकल के बाहर चला गया, या वो गायब हो गया, या वो छुप गया। हृदय में उसको संभाले रखो, और मन में दया रखो, दया के बिना कुछ नहीं है। दया इसलिए कहा है कि हर इंसान उसकी मूर्त है, हर जीव उसी का अक्ष है, हर जीव उसी का अंश है, उसी एक का। तुम्हारे कई बाप नहीं हैं, ये बाप तो काम चलाऊ हैं, ये तो पता नहीं तुमने अनंत बाप बनाए, अनंत माताएं बनाई, अनंत अपने पति किए और अनंत पत्नियां की, और वो पता नहीं आज कहाँ। बताओ पिछले जन्म में तुम्हारा पति कौन था, तुम्हारी पत्नी कौन थी, बताओ कौन था तुम्हारा बाप। अनंत जन्म हो चुके जब से ये धरती बनी है, अनंत जन्मों से इंसान यहाँ विचर रहा है, और ये सब आने जाने में मिटते रहे, बनते रहे, लेकिन एक पिता ऐसा है जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं मिटता, कभी नहीं छूटता, वो परमात्मा, वो सदा से है और सदा रहेगा, सदा से है और सदा वो रहेगा। तो उसकी सब संतान, उसके सब बच्चे हैं, उस एक परमात्मा के, उस परम पिता परमात्मा के एक ही बाप के सब संताने हैं। ऐसा जो देखता है वही ठीक देखता है, तुम्हारा उपनिषद भी कहता है, यह पश्यति सह पश्यति, जो इस प्रकार से संसार को देखता है वो ठीक देखता है, बाकी सब गलत देखते हैं। तुम कहते हो मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं कहता हूं जो ही तुम दूसरे को दूसरा कहते हो तुमने पाप कर दिया, जो ही तुम दूसरे को दूसरा समझते हो तुमने, तुम्हारे से पाप हो गया, यही तो पाप है। ये कहते हो मेरा मकान है, वो मकान तुम्हारा ना हुआ ना होगा, बस वही तुमने भूल कर दी। तुम कहते हो मेरी संतान, भूल तो इंसान कदम कदम पर करता है, और फिर कहता है कि मेरे से कोई पाप नहीं हुआ। किसी को भी टेढ़ी आंख से देख लो तुम, किसी को भी क्रोध से देख लो, किसी को भी झटक पटक करो, बस वही हो गया,
वही काम उन्होंने पूरा कर दिया। कोई आता है मेरे पास कहता महाराज जी मैंने तो कभी क्रोध नहीं किया, मैं मुझे कभी देखा क्रोध करते, मैं हंसता रहता हूँ। और कमरे में जाते ही अपनी धर्मपत्नी को ये क्या है, तुमने कभी क्रोध नहीं किया लेकिन ये क्या कर रहे हो, सटक पटक झटक पटक ताना बाना बुनते रहते हो, खींचा तानी करते हो, मन मुटाव रखा हुआ है। और हमने बार बार कहा है कि जिस घर में भी थोड़ा सा भी मन मुटाव रहेगा उस घर का नाश होगा। क्यों नहीं इस बात को समझते, प्रेम नहीं है जहां, जिस परिवार में प्रेम नहीं है, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं है, उस घर का विनाश दूर नहीं है, जल्दी ही होगा, बरकत जाएगी। कहते हैं कि ऐसे घर में पानी भी नसीब नहीं होता, वो भी चला जाता है, वो भी नमस्कार कर जाता है।